और ये समझो कौन अनंत है, और ये समझो कि मौत तो हर किसी को आनी है, मौत का मजा तो हर किसी को चखना है। हमसे बड़े बड़े रईस आए, आज वो दुनिया में नहीं है, आज आपने और आपने बहुत से बड़े बड़े लोगों का नाम आपने सुना होगा। एक बहुत सुंदर सरदार से करने वाला माइकल जैक्सन का भी नाम आपने सुना होगा, बहुत डेंजर किस्म का, सबसे ज्यादा पॉपुलर में अगर आप हो देखे डांसर में तो आपको माइकल जैक्सन का नाम नजर आएगा। आप यूट्यूब के अंदर उसकी पूरी हिस्ट्री मौजूद है, आज भी देख सकते हैं कि उसी माइकल जैक्सन ने इस दुनिया के अंदर जीने के लिए उसने कहा था कि मैं दुनिया के अंदर 150 साल जी करके दिखाऊंगा, 150 साल तक जिंदा रह करके दिखाऊंगा। और उसने इस दुनिया के अंदर रहने के लिए और इस दुनिया में जीने के लिए उसने अपने पीछे कई कई डॉक्टरों को लगा करके रखा हुआ था, 10-15 डॉक्टर उसके साथ हमेशा रहा करते थे। वो किसी से मुसाफा नहीं करता था, हर वक्त अपने आप को लोगों से छिपा करके रखता था, हमेशा ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया करता था, अच्छे डॉक्टरों से हमेशा मुस्कुरा करके जिंदगी काटता था। लेकिन मेरे भाइयों, मौत कब आएगी कोई जानता नहीं है। 40 से 45 साल के दौरान में उसकी मौत हो गई और वो अपने आप को बचा ना सका। इस वजह से कुरान कहता है कुल नफ्सिन, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर किसी को मरना है। उस मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी तो करो। और मरने के बाद तुम्हें कयामत के दिन पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, मरने के बाद तुमको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जैसे इंसान मरता है और कब्र के अंदर जैसे उसको दफन किया जाता है, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके पास फरिश्तियां आते हैं, मुनकर नकीर आते हैं, सवाल करने वाले आते हैं और उनसे सवाल करते हैं, मर रब्बों का मातीन का मन नबी का, ये बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन किया है और तुम्हारे नबी कौन है, ये उनसे सवाल किया जाता है। मेरे भाई अगर वो जवाब दे देता है तो उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जन्नत का पिछोना बिछा दिया जाता है। लेकिन अगर वो जवाब दे नहीं सकता और अगर वो जवाब दे नहीं पाता है और हाँ हालात नहीं कहता है तो उसके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और जहन्नम की आग उसके लिए बिछा दी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, सोचो, मरने के बाद जैसे तुम कब्र के अंदर जाओगे तुमको पूरा पूरा बदला मिलेगा कि तुमने अगर अच्छाइयां की है तो मरने के बाद तुम्हें उसको फायदा, तुमको उसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर तुमने दुनिया के अंदर बुराइयां ज्यादा कर ली और अगर अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा न किया तो मरने के बाद जहन्नम की खिड़की खोल दी। लाइट वाला भी अटक हो गया है कि कोई पब्लिक है ही नहीं तो लाइट जलाने की क्या जरूरत है, और खास करके लड़कियां ही नहीं है तो लाइट की क्या जरूरत है, हमारा तो वहां होता जहां लड़कियां हो। और कीजिए मेरे भाइयों, मरने के बाद तुमको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा पूरा बदला मिलेगा। यहाँ पे पूरा पूरा बदला कोई दे नहीं सकता है, अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो हाँ हिंदुस्तान की हुकूमत उसे कत्ल कर दे, उसे फांसी की सजा दे दे, उसे मार डाले, उसको मार डाले, इतना ही कर सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी किसी एक को नहीं, दो तीन चार हिंदुस्तान अगर चाहे तो उसके साथ यही करे, हिंदुस्तान की अदालत यही कर सकती है, इसको अगर इसने 100 को मारा तो एक मरतबा मार करके खत्म कर दे, दोबारा जिंदा करके फिर नहीं मारेगा, एक मरतबा मारेगा, एक ने मारा और एक मरतबा उसको मार दिया गया, अपने नाम पे लोगों का बदला कहां लिया जा रहा है। इसी वजह से अल्लाह कहता है कि दुनिया के अंदर पूरा पूरा बदला कोई ले नहीं सकता है, हम कयामत के दिन पूरा पूरा बदला तुम्हें देंगे और कयामत के दिन हम इंसाफ भी करके दिखाएंगे। अगर किसी ने दुनिया में किसी को 100 लोगों को मारा होगा तो कयामत के दिन
नाम 100 मरतबा मारेंगे और 100 मरतबा जिंदा करेंगे। और वज़ालिका अल्लाह, अल्लाह कहता है ये मेरे लिए बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। फिर आगे अल्लाह फरमाता है तमन जुहजिया अनिल नारी व उदखिलल जन्नत फकद फाज, हर जिसको जहन्नम से अल्लाह ताला बचा ले और जन्नत के अंदर एंट्री कर ले, जिस आदमी को जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखला कर दिया जाए, अल्लाह कह रहा फकद फाज, सबसे बड़ा कामयाब आदमी वही है, सबसे बड़ा चतुर और सबसे बड़ा चालाक और सबसे बड़ा सक्सेसफुल आदमी वो है जो मरने के बाद जन्नत में पहुंच जाए, मरने के बाद अपने आप को जहन्नम से बचा ले। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, ये जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा ये जिंदगी मिल नहीं सकती है। जरा अपने 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 गिरेबान में झांक करके देखो और अपने दिल के अंदर हाथ रख करके बताओ, अगर तुम्हारे पास एक ही रोटी हो और तुम्हारे बच्चे रो रहे हो तो उस बच्चे उस रोटी को तुम कुत्तों के दरमियान फेंकोगे नहीं, बल्कि उन रोटी को अपने बच्चों को खिला दोगे। एक ही बोतल पानी हो और तुम्हें सहरा में सफर करना हो तो उस पानी को तुम बहाओगे नहीं बल्कि उसकी हिफाजत करोगे। तुम्हारे पास ये जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा ये जिंदगी मिल नहीं सकती है। अब इस जिंदगी को तुम बर्बाद कर रहे हो, इस जिंदगी को तुम खत्म कर रहे हो, इस जिंदगी को कभी यहाँ और कभी वहां और कभी इन चीजों के अंदर हम और आप बर्बाद कर रहे हैं। बताओ ये जिंदगी तुम्हें दोबारा मिल नहीं सकती है, इसी जिंदगी से तुम्हें जन्नत कमानी है, इसी जिंदगी से तुम्हें तुमको जहन्नम से अपने आप को बचाना है। इसी वजह से अल्लाह कहता है सबसे बड़ा कामयाब आदमी वो है जो मरने के बाद जन्नत के अंदर चला जाए, जन्नत के अंदर चला जाए। अब बताइए हमारा ईमान इतना मजबूत है और हमारे अमल इतने अच्छे हैं कि मरने के बाद जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे, इतना आसान नहीं है मेरे भाई। गौर करो, जो ईमान हमें मस्जिदों तक न पहुंचाए, जो ईमान हमें दीनी प्रोग्राम तक न पहुंचाए, जो ईमान कुरान और सुन्नत सुनने के लिए न पहुंचाए, जो कुरान नबी का पैगाम सुनने के लिए न पहुंचाए, अब बताओ वो ईमान जन्नत में हमें और आपको कैसे पहुंचा सकता है। जो ईमान मस्जिद आपके घर के अंदर बगल ही में और मस्जिद से आजान की आवाज पांच वक्त आती है, कामयाबी यहां रखी हुई है, पांच वक्त तुम्हें बुलाया जाता है और पांच वक्त में तुम्हारा ईमान इतना कमजोर है कि मस्जिद तक नहीं जा सकते, तो बताओ इस ईमान के बलबूते पे तुम जन्नत में कैसे दाखिल होगे। वल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। हमसे और आपसे पहले बहुत से लोग आए जो इसी मगन में थे कि हम दुनिया के अंदर कमा कमा करके अपने बिल्डिंगे बनाते रहे, कमा कमा करके बैंक बैलेंस जमा करते रहे, लेकिन उसको इतना भी मालूम नहीं था कमा करके जो वो रख रहा है उसका फायदा कोई और उठाएगा, वो दुनिया से चला जाएगा। तसव्वुर कीजिए और अपने आप को सोचिए कि हमें और आपको कौन से रास्ते को अपनाने की जरूरत है। घसिया घाट और ये इलाका बहुत मशहूर है, ये मुसलमान की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन समझ में बात नहीं आती है कि कुरान हदीस सुनने वालों की तादाद कम क्यों है, कुरान सुनने वालों की तादाद कम क्यों हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है बुराइयां कर करके हमारा दिल बिल्कुल काला हो चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान बुराई करता है, एक बुराई करता है, गुनाह करता है, इन्नल अब्द इज़ा सा खतियत नकितन बिकल्बी नुक्तत सौदा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं
अगर कोई बंदा गलत काम करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल में काला धब्बा डाल देता है, एक सिया धब्बा लगा देता है, एक ब्लैक पॉइंट उसके दिल के अंदर डाल देता है। उसके दिल के अंदर जो काला पॉइंट है, जो ब्रेक पॉइंट है, उसको खत्म कर देता है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर वो गुनाह करता है और फिर गुनाह करता है और फिर गुनाह करता है, यानी गुनाह पे गुनाह करते चला जाता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं गुनाह ज्यादा करने की वजह से उसका पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है, पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। और इसी को कुरान ने रान से ताबीर किया है, अल्लाह पर रान आला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। अल्लाह ताला कहता है इनके दिलों के अंदर रान, इनके दिलों के अंदर जंग लग गया है, इनके दिलों के अंदर जंग लग गया है। अब इनको कुरान की बात आपने अच्छी नहीं लगती है, अब इनको इस्लाम का तरीका अच्छा नहीं लगता है, इनको मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम अच्छी नहीं लगती है, इनके दिलों के अंदर जंग लग गया है। बताओ इनके सामने कब्र का बयान रखो, इनके सामने अजाब अलीम रखो, इनके सामने कुछ भी बयान कर दो, कोई फर्क नहीं। इनको क्या अच्छा लगता है? वही भोजपुरी गाना। इसको क्या अच्छा लगता है? शॉर्ट वीडियो। इसको क्या अच्छा लगता है? इंस्टाग्राम। इसको क्या अच्छा लगता है? बाजार। यही सब इसको अच्छा लगता है, क्योंकि दिल के अंदर संग लग चुका है, कुरान की बातें असर नहीं करती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान असर नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले सहाबा को देखो, नबी अकरम के मानने वाले को सहाबा कहते, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते ये करो तो अल्लाह ताला बड़ा खुश होगा, ये करो तो अल्लाह ताला बड़ा खुश होगा। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्ने उमर रात की तारीकी मोड़ करके तहज्जुद की नमाज पढ़े, नमाज तो पढ़ते अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन तहज्जुद की नमाज अगर आप पढ़ते अब्दुल्लाह पढ़ने लगे, रात मोड़ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे, तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया रात की तारीकी मोड़ करके जो नमाज पढ़ता है ऐसे लोग अल्लाह की नजर में बहुत प्यारे हैं, और कल कयामत के दिन ऐसे लोगों को पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा, और अल्लाह ताला कहेगा और मेरे बंदो वो मेरे बंदे कहाँ है जो रात नोट करके तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और अपने आप को नींद से दूर रखा करते थे, बिस्तरों से अलग रखा करते थे और नमाज पढ़ा करते थे, ओ मेरे बंदो तदखुल जन्नत बिसलाम, सलाम तज़किरा कर रहे थे, तुम्हारा नाम ले रहे थे। अच्छा क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया? सहाबा ने कहा आई अल्लाह आई हजरत अब्दुल्लाह, अल्लाह के नबी ने तुम्हारे बारे में फरमाया अगर हजरत अब्दुल्लाह रात मोट करके तहज्जुद की नमाज पढ़े तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे, और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, और ज्यादा अल्लाह की नजर में महबूब हो जाएंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जुमला सुना पका न पात ला यनाम मिन अल-लैल इल्ला कलीला, उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कभी भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। नबी की बात को सुन लेने के बाद नबी की ताक की और नबी की बात को माना और तहज्जुद की नमाज उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे साथियों गौर करो इस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह को लोग माना करते थे। कितने दिनों से ऐलान हुआ जलसे होंगे जलसे होंगे जलसे होंगे,
आज हमारे मामला हमारी जिंदगी के अंदर बताइए, दुनिया की रंगीनियों ने कितना कब्जा कर लिया है, कितना अपने आप को हमें गिरफ्त में ले लिया है कि हमें नमाज से कोई मतलब नहीं, हमें दीन से कोई मतलब नहीं। ये तो रात का प्रोग्राम है, जुमे के नमाज में भी खुतबा देने के लिए आप जाइए, और जबकि बहुत से हमारे हाल रहते हैं उनका भी यही कहना है, बोले साहब जुमा का खुतबा देने के लिए खड़ा होता हूँ, जब खुतबा खत्म होने वाला रहता तब पब्लिक का यहां में मेरे भाई अपने समाज का कौन इस समाज को सुधारेगा, कौन बताएगा। यमाने में ला नबी अबादी आपने फरमाया मेरे बाद कोई नबी कोई रसूल कोई पैगंबर ऋषि मुनि मेरे बाद पाएगा नहीं, अब कोई रसूल आने वाला नहीं है, अब कौन तुम्हें समझाए। मेरे प्यारे साथियों गौर करो सोचो, मौत आनी है, मौत के आने से पहले तैयारी कर लो, मौत के आने से पहले अपने आप को दीनदार बना लो, नेकोकार बना लो, परहेज़गार बना लो, अल्लाह वाले बना लो, और अपने बच्चों को भी दीनदार बना लो, क्योंकि मेरे भाइयों जिंदगी खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा ही जिंदगी तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हारा जिंदगी हमें और आपको नहीं मिलेगी। हमारे हालात इतने बुरे हैं कि हमें कुरान की आयतों से मोहब्बत नहीं, हमें कुरान की आयतों से दिल नहीं लगता है, कुरान की बातें हमें अच्छी नहीं लगती है, हमें मोबाइल के अंदर गाने अच्छे लगते हैं, हमें फिल्में अच्छे लगते हैं, और इसी तरीके से हमें और दुनिया की चमक दमक हमारे दिलों को सुकून पहुंचाती है। हालांकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे नमाज सुकून पहुंचाता है, जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो मुझे सुकून मिलता है, जब मैं कुरान की आयतें पढ़ता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, हमारे हालात कितने बदल चुके हैं, हम मुसलमान होकर के मुसलमान नहीं है, चलता है तो दिखने में लगता नहीं कि मुसलमान का बेटा है, हमारी मुसलमान लड़कियां अगर रातों में चला करे तो पता ही नहीं चलता है कि मुसलमान की बेटियां है। आज हमने अपने आप को कितना बदल दिया है, हमने वोटर कार्ड में तो अपना नाम मुसलमान रखा है, न चलने में न खाने में न उठने में न बैठने में न शादी ब्याह में न दुनिया में मामलात में हम किसी भी एंगल से हम मुसलमान नजर नहीं आते। मेरे प्यारे साथियों अपने आप को मुसलमान बना करके रखो, क्योंकि मौत आ जाएगी और मौत के बाद तुम्हें अमल करने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, ये चंद बातें मैंने आपके सामने कौन धक्का रखी है, और इससे ज्यादा मैं तकलीफ करूंगा नहीं। वजह क्या है? वजह यही है कि जुमे के अंदर भी इससे ज्यादा तादाद हुआ करती होगी आपके, जुमे की नमाज में इससे ज्यादा तादाद होती होगी, लेकिन आज हम लोगों को जरा देखिए मेरे भाइयों, इतने इतना बड़ा मजमा लगना चाहिए था दीन को सुनने के लिए, और आप यही आप चले जाइए कर्नाटक चले जाइए, आप हैदराबाद चले जाइए, बंबई चले जाइए, अल्लाह की कसम आखिरी खतीब जब तक तकरीर कर न ले तब तक पब्लिक जाती नहीं है। उसे मालूम है जब तक आदमी इन महफिलों के अंदर रहता है अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती है, अल्लाह की बरकतें नाजिल होती रहती है। अगर कोई आदमी इन महफिलों में गालियां करके बैठ जाता है मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ऐसे तत्वों के लिए स्पेशल फरिश्तों को तैयार रखा है, और उन फरिश्तों से अल्लाह कहता है और मेरे फरिश्तों जाओ चेक करो मेरा जिक्र करने वाले और मेरी बातें बयान करने वाले और मेरी बातों को सुनने वाले लोग कहाँ हैं, मेरे उन बंदों को ढूंढो, और अगर कहीं पे ऐसे बंदों को पाते हैं ऐसे बंदियों को पाते हैं तो फरिश्ते वहां पे बैठ जाते हैं,
वो फरिश्ते उनके लिए मगफिरत की दुआएं करने लगते हैं और अल्लाह ताला चीख करके कहता है, ओ मेरे फरिश्तों का गवाह रहना, मैंने इन लोगों को माफ कर दिया है, इन लोगों को बख्श दिया है जो मेरा तज़किरा कर रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। इसी वजह से अल्लाह कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, ऐ मेरे बंदो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, वश्कुरूली वला तकफुरून, और ऐ मेरे बंदो मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरी नफरमानी मत करो, क्योंकि बहुत सी नेमतें हमने तुम्हें दी है, उन नेमतों को याद करके शुक्रिया अदा किया करो। सोचिए मेरे भाई, हालात कितने बुरे हैं, हम अल्लाह का खाते हैं, अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्रिया भी अदा नहीं करते, अल्लाह की नफरमानी कर रहे हैं। जिस जमीन में हम चलते हैं मेरे भाइयों, सोचना चाहिए, करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक मौका दिया है, एक चांस दिया है, कयामत के दिन इंसान अफसोस करेगा और कहेगा कि अल्लाह हमें एक मौका दे दे, हमें एक चांस दे दे, ऐ अल्लाह हमें दुनिया में दोबारा ना लौटा दे, ऐ अल्लाह एक मौका दे दे, ऐ अल्लाह एक चांस दे दे, हम दुनिया के अंदर ना शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, जिना नहीं करेंगे, ऐ अल्लाह डांस की महफिलों में नहीं जाएंगे, ऐ अल्लाह गलत चीजों को नहीं सुनेंगे, ऐ अल्लाह जब मौसिन अजान देगा तो उसकी अजान का जवाब भी देंगे और अजान सुन करके मस्जिदों में जाकर के नमाज भी पढ़ेंगे, ऐ अल्लाह कुरान की तिलावत भी करेंगे, उलमा की तकरीरें भी सुनेंगे, ऐ अल्लाह तेरी फरमा बरदारी करेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, अल्लाह कहेगा कल्ला, ऐ मेरे बंदो तुम्हें दोबारा जिंदगी मिल नहीं सकती है, मेरे प्यारे साथियों, इस वजह से कब मौत आ जाएगी कोई जानता नहीं है, इस वजह से हमें और आपको अपनी जिंदगी को चेक करना चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए, हमारा दिल मस्जिदों में कहीं को नहीं लगता, हमारा दिल इस्लामिक महफिलों में कहीं को नहीं लगता, हमारा दिल हमारे बच्चों का और हमारे समाज के नौजवानों का दिल इस्लामी बयान और इस्लामी महफिलों के अंदर क्यों नहीं लगता, बाजार हो तो लगेगा, डांसर के बाजार हो और ऑर्केस्ट्रा लगे तो वहां पे हमारे नौजवान के वो डांस देखेंगे, लड़कियों के कमर को देखेंगे नाचते हुए, डांस को और उसके बाल को देखेंगे, लेकिन कुरान और हदीस सुनने के लिए ये रात के अंदर आ नहीं सकते, एक अलग सी बात होती है, अगर तकलीफ लंबी लंबी हो रही है नहीं सुनते, लेकिन नमाज भी है, कुरान की तिलावत करते हैं, दीन के ऊपर चलने वाले हैं, ये मोबाइल में टाइम दे सकते हैं, लेकिन मेरे भाई इस्लाम को जानने के लिए टाइम नहीं दे सकते हैं, ये कौम मर चुकी है, इस कौम को बस दफनाने है मेरे भाइयों, डेड बॉडी बाकी है, सिर्फ डेड बॉडी, सिर्फ उसका जिस्म बाकी है, रूह खत्म हो चुकी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मसलुल मसलुल लजी यस्करु फी वल लजी ला यस्करु फी मसलुल हय्यि वल मय्यित, आपने फरमाया कि जो आदमी अल्लाह का नाम लेता है वो जिंदा है और जो आदमी अल्लाह का नाम नहीं लेता है वो आदमी मुर्दा है, जैसे वो चलता हो खाता हो पीता हो, लेकिन अगर अल्लाह का नाम नहीं लेता है तो आदमी मुर्दा हो। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, कुछ और करके आपके सामने आया था और बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर आपके सामने करनी थी, लेकिन आप इसी जगह हाले पैदा के अंदर 25 फरवरी को इंशाल्लाह मेरी तशरीफ आवरी हो रही है और एक अलग मौजू पे और हिंदू धर्म की किताबों से बहुत सी बातें आपके सामने उस बयान उस बयान में उस प्रोग्राम में मैं आपके सामने इंशाल्लाह पेश करूंगा। ये चंद बातें थी, एक बजने वाला है, मुझे भी जाना है, लंबा सफर करके मैं आपके दरमियान में आया हुआ हूँ, अल्लाह ताला से, क्योंकि कल मेरा प्रोग्राम नेपाल की धरती के अंदर, नेपाल की सरजमीन में बहुत दूर का सफर करके मुझे नेपाल पहुंचना है, इस वजह से मेरे भाइयों ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है, शायद को चल जाए तेरे दिल में मेरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन कहने वाले को भी और सुनने वालों को भी अल्लाह सबको अल्लाह पूरी पूरी तौर की तथा फरमाए अमल करने की, हम सबको आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, आमीन व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।